वेल डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टुडे इज लेक्चर नंबर 3, द थ्योरी ऑफ डिमांड। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके, सो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया कैन ऑल्सो बेनिफिट। एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑल्सो यूजिंग द बुक ऑफ गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, सो आई एम मिक्सिंग बोथ द बुक्स। सो अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स दे फॉलो गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, सो डोंट वरी, आई एम मिक्सिंग बोथ द बुक्स, सो फाइन। So let's start. Factors determining market demand. So in the previous class we discussed about individual demand. Now what is the difference between individual demand and market demand? Market demand and individual demand. So when lot of individuals they are added, वो बन जाता है market demand. ठीक है? So the market demand for a commodity means the sum total of demand of all individuals. एकदम इजी है। मार्केट डिमांड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड रिलेटेड प्राइसेस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड रिलेटेड प्राइसेस ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास, बट ऑल्सो ऑन द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी कंट्री। लास्ट डे वी डिस्कस्ड अबाउट इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नाउ वी आर डिस्कसिंग पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी कंट्री, इंडिविजुअल डिमांड इज वन फेलो, बट वेन वी डिस्कस अबाउट मार्केट, इन मार्केट देर आर लॉट ऑफ फेलोज, लॉट ऑफ रेजिडेंट्स, लॉट ऑफ पीपल। नाउ दिस लॉट ऑफ पीपल दे हैव देयर ओन लेवल ऑफ इनकम। Everybody does not have the same level of income. हर इंसान एक जैसा इनकम नहीं जनरेट करता है, ठीक है? So इनकम पैटर्न कैसा है, अगर एक पर्टिकुलर मार्केट में हम जाते हैं तो कैसे लोग वहां रहते हैं, उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है, सो दिस विल हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन द मार्केट डिमांड और द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंट्री। What do we mean by demographic structure? Age bracket क्या है? अगर छोटे छोटे बच्चे हैं कंट्री में, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, डेमोग्राफिक चार्ट बनता है, इंफॉर्मेशन लिया जाता है और पता चल जाता है कि इस देश में 5 साल से 15 साल के बच्चे का पॉपुलेशन कितना है, 50 साल से 75 साल के पॉपुलेशन कितना है। सो उस हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास डेटा है, दे हैव द डेटा of what this country needs, okay? So whatever the country needs, of course, that is want, and if want has the purchasing power, that will become demand. So this demand would be market demand, because we are not studying about one single individual, we are studying about the country, or maybe a state or a village, okay? The entire population of the village, what are they demanding? The entire population of a particular state, what are they demanding? So ultimately, kya demand hai? Market demand kya hai? So, aayye padhte hain, samajh lenge hum. Pattern of income distribution. Pattern of income distribution. If income distribution moves in favor of the downtrodden people, downtrodden people मतलब जो अगर नीचे लेवल पे जो लोग हैं, अगर हम बात करें एक पिरामिड बना दें हम, तो आपको पता है कि नीचे के बेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और मैक्सिमम लोग नीचे लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे बहुत कम लोग होते हैं। सो इफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मूव्स इन फेवर ऑफ डाउनट्रॉडन पीपल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मूव्स इन फेवर, फेवर मतलब जो नीचे लेवल पे लोग हैं उनके फेवर में अगर इनकम आ रहा है, मतलब नीचे लेवल पे जो कल तक 500 रुपया कमा रहा था, आज उसका इनकम 500 के जगह 700 हो गया या 800 हो गया, उनके फेवर में अगर इनकम जा रहा है, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटीज विच आर यूज्ड बाय कॉमन पीपल वुड इंक्रीज। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, जिस लेवल के लोगों के पास जिस लेवल का पैसा है उसी लेवल का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द मेजर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ ओनली सम रिच
पीपल। इतना बड़ा देश मगर कुछ लोगों के पास ही इनकम जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट्स का डिमांड होगा वो उन लोगों के पास ही पैसा है, उन लोगों के पास ही परचेजिंग पावर है। ओनली दे पोजेस द परचेजिंग पावर, सो ओनली दे कैन हैव अ राइटफुल डिमांड। दैट डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स में इंक्रीज इन दैट सोसाइटी। सो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि लग्जरी गुड का डिमांड सोसाइटी में कैसे बढ़ता है, सो आपको ये बताना होगा कि अगर इनकम कॉन्सेंट्रेट कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में है, या 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज गेटिंग 95% ऑफ द टोटल इनकम, ये पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही है कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेट्स से 5% जो टॉप रिच लोग है, और ये 5% के पास लेट्स से 50% इनकम है, और लेट्स से 10% के पास 30% इनकम है, तो कुल मिला के 85% लोग जो बचे हैं उनके पास देश का सिर्फ 20% इनकम जाता है। तो आप सोचो कि मैक्सिमम पैसा जो कमाई हो रहा है वो तो ये 5% और 10% वाले ले जा रहे हैं। 80% तक का इनकम इनके हाथ में जा रहा है, तो बाकी 85% लोग देश में एकदम गरीब है। मतलब उनके पास क्या पैसा है। अगर हम कंपेयर करें तो हमारे देश के जो बड़े बड़े नामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कितने हैं, बट उनके पास कितना पैसा जा रहा है। तो ये एक अलग पैटर्न है। सो पैटर्न से समझ में आता है कि देश में पैसा कैसा है तो प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होगा। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों का समान डिमांड होगा, बड़े लोग हैं सीनियर लोग हैं तो उनके डिमांड होंगे, उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिमांड होंगे। सो मैं ये रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अब इमेजिन करो एक ऐसा जगह पे आप चले जाते हो जो कि एक आइलैंड है, और रिमोट आइलैंड वर्ल्ड के किसी कॉर्नर पे, और वर्ल्ड के किसी कॉर्नर पे सिर्फ गिन चुन के लेट से 10 से 20 लोग रहते हैं। सो क्या उन लोगों के लिए आप कुछ बनाओगे, बना के इतने दूर ट्रांसपोर्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ डिमांड होना ही नहीं है। सो अगर टोटल पॉपुलेशन 20 है तो 20 मैक्सिमम लोग ही है जो कुछ मांग सकते हैं। अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ और 20 पीपल आर स्टेइंग इन दैट आइलैंड, सो मैक्सिमम डिमांड कैन बी लेट्स से 20 शर्ट्स, अगर वो सबको एक शर्ट चाहिए तो। बट उसमें भी ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ के लोग बोले कि नो आई डोंट वांट टू वेयर अ शर्ट, मैं तो बिना शर्ट के घूमना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स उनका चॉइस है। सो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, तो जैसे हमारा देश भारत बहुत ज़बरदस्त पॉपुलेशन है तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, इसीलिए बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज चाहते हैं कि इंडिया में घुस के बिजनेस करें। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर बहुत है। कंज्यूमर कैसे बहुत होता, बिकॉज वी हैव गॉट ह्यूज पॉपुलेशन। ठीक है, द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स ग्रोथ। देखो अब आप शादी करने वाले हो, अभी नहीं करोगे, आई नो आफ्टर लेट्स से 3 years, 4 years, 5 years, 7 years। सो व्हेन यू मैरी, व्हेन यू गाइस टुडे यू आर स्टूडेंट, व्हेन यू पीपल मैरी ऑफ कोर्स यू विल हैव किड्स। सो पता है कि आज जिन बच्चों का एज 16 इयर्स है, लेट्स से इन 10 इयर्स टाइम दे विल मैरी एंड देन दे विल हैव किड्स। सो किड्स के प्रोडक्ट्स का डिमांड रहने वाला है। सो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स लोग, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ अ कमोडिटी इन एनी सोसाइटी ऑल्सो डिटरमाइंस द मार्केट डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। अगर मैं इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता हूँ, मैं बच्चों का साइकिल का प्लांट लगाना चाहता हूँ, वाई इंडिया, बिकॉज आई नो देर विल लॉट ऑफ किड्स हु विल बी गेटिंग मैरिड, दे ऑलरेडी लॉट ऑफ किड्स गेटिंग मैरिड एवरी ईयर एंड दे विल हैव किड्स एंड आफ्टर 3 years, 4 years दे विल नीड अ बाइसिकल, सो आई विल मैन्युफैक्चर दैट बिकॉज आई नो द टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर हियर इन इंडिया। बट इफ आई गो टू अ कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, स्मॉल पॉपुलेशन, सो देर इज नो पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग देयर। सो हर इंसान अपना कैलकुलेशन कर लेता है।
अच्छा, और भी पॉइंट्स है जो मैंने, ये कुछ पांच दो तीन पॉइंट्स मैंने और नोट किया है, ये पॉइंट्स मैंने लिया है आपके गोयल ब्रदर्स प्रकाशन से, सो मैं कवर दोनों कर रहा हूं, आई एम कवरिंग बोथ द थिंग्स. सीजन एंड वेदर, ऑफ कोर्स इन द विंटर सीजन द मार्केट डिमांड वुड बी फॉर द वुलन क्लोथ्स, इन द समर सीजन द मार्केट डिमांड वुड बी फॉर द आइसक्रीम. Government policy, if government reduces taxes on certain commodity, the demand would increase because tax हटाने से सस्ता हो गया. तो वही price वाला formula है, price कम होने से demand बढ़ जाता है, but price कम किस वजह से हुआ, government के policy के वजह से हुआ. Business cycle, ये बड़ा important है. Business cycle का मतलब अभी छोटे रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, in very short, there is something called boom period, there is something called recession. बूम पीरियड का मतलब यह है कि एकदम जबरदस्त मार्केट में डिमांड है. अगर मार्केट में डिमांड है मतलब सब लोगों के पास पैसे हैं, पीपल आर रिच, पीपल हैव मनी, सो दे वांट टू बाय, दे वांट टू बाय, बाय बाय बाय, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो. सो अगर ऐसा माइंडसेट है, सबके पास पैसा है, सब बहुत खुश है, इकोनॉमी में एकदम बूम पीरियड चल रहा है, सो ऑफकोर्स बूम पीरियड में मार्केट डिमांड हमेशा हाई रहेगा. रिसेशन पीरियड जहां लोगों को डर लगता है, जहां लोगों की नौकरी खतरे पे होती है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जा रहा है, जो अभी हाल है, द राइट नाउ द कंडीशन आफ्टर COVID-19 इज रिसेशन, बिकॉज कंपनीज आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर, कंपनीज आर नॉट एबल टू गिव द जॉब्स, दे आर कटिंग डाउन ऑफ जॉब्स, पीपल आर नॉट गेटिंग द सैलरीज इन टाइम, so they are really scared to buy something, so this is recession, so market demand is getting down. So I guess ye jo hai ye aap log self read karoge dost, isme kuch bhi nahi hai. So market demand kya hota hai ye aapne jaan liya hai. अब अपने को समझना है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व क्या अलग अलग चीज है? नहीं जी, एक ही चीज है, एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन का फर्क है. डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, देखो अगर मैं किसी चीज को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. डिमांड के बारे में अगर मैं एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन करता हूं तो यह है डिमांड शेड्यूल. यह है जैसे ये अपने देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. अब इसी को अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं, सो दिस इज कर्व, एक कर्व बनकर आएगा, सो दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व. सो अब हम क्या करेंगे, एक ही सिचुएशन को शेड्यूल में बनाएंगे और उसी सेम सिचुएशन को कर्व में बनाएंगे, ठीक है. ये बहुत इजी है, बहुत बहुत, इट इज वेरी वेरी इजी, बट यू गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, सो वी नीड टू सी. वंस यू जस्ट सी, आपको बहुत आराम से आप एग्जामिनेशन पे करके आ जाओगे. वी हैव मैंशनड द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स. हम इंडिविजुअल का डिस्कशन कर चुके हैं, आपको पता है, और हम एग्रीगेट मतलब टोटल मार्केट डिमांड का भी डिस्कशन कर चुके हैं. मार्केट डिमांड में वॉट वी डिस्कस जस्ट नाउ, वी डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज, वी डिस्कस वेदर, वी डिस्कस द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जस्ट वी जस्ट डिस्कस. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, the most crucial among these factors is the price of the commodity. Of course, price bahut 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 important hai. Economists therefore spend much time and effort in studying the relationship between demand for a commodity and its price. So kehne ka matlab ye hai, itne sare factors, there are so many factors which we studied, but डिमांड वेन स्टडीड विथ वन पर्टिकुलर फैक्टर विच इज कॉल्ड प्राइस, वन पर्टिकुलर फैक्टर. देखो वेन टू लवर्स आर डिस्कसिंग अबाउट द लव, दे कैन हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, बट मे बी बोथ द लवर्स दे जस्ट डिस्कस कि देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. ठीक है, I would like to
hold on to this relationship primarily on the basis of respect. One point. Somebody can say, I would like to hold on to this relationship primarily on trust. And there are people in modern days, I would like to be in this relationship primarily based on the money. Tum bhaiya kitna paisa kamate ho, uske upar mera relationship tumhare saath hai. One particular thing. There can be so many things. See, I will marry you because, you don't have brother, you don't have sister, you don't have in-laws, you don't have mother-in-law, matlab kuch bhi jhamela nahi hai. This is one factor. So, alag-alag logo ka alag-alag factor hota hai. But abhi hum study kar rahe hai, demand. डिमांड के बारे में हमने स्टडी किया कितने सारे फैक्टर्स, ठीक है, कितने सारे फैक्टर्स स्टडी किया हमने. इंडिविजुअल डिमांड के लिए हमने स्टडी किया. कहाँ गया. इंडिविजुअल डिमांड में हमने स्टडी किया इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इंडिविजुअल डिमांड में हमने स्टडी किया प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यस, ये इसका बात कर रहे हैं हम. इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है. सो इंडिविजुअल डिमांड कैन हैव सो मेनी फैक्टर्स, बट वन फैक्टर व्हेन वी कंसीडर व्हिच इज कॉल्ड प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज भी होता है डिमांड के लिए. इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, और क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और क्या होता है, प्राइस एक्सपेक्टेशंस. पांच पॉइंट हो गया जी, पांच पॉइंट. मार्केट डिमांड में हमने पढ़ा इनकम पैटर्न, हमने पढ़ा डेमोग्राफिक, हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, और हमने पढ़ा गवर्नमेंट पॉलिसी, और हमने पढ़ा वेदर, ठीक है. सो ये है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. बट वन सिंगल फैक्टर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन सिंगल फैक्टर. व्हाट इज दैट वन सिंगल फैक्टर? डिमांड विथ स्टडीड विथ दिस सिंगल फैक्टर. व्हाट इज दिस सिंगल फैक्टर? Price, okay. There are basically two ways of presenting this relationship. This relationship matlab relationship, demand and price ka relationship. Aur koi factor ka baat nahi kar rahe. Aur kya factor hai? Income pattern of the consumer. Aur kya pattern hai? Price of related commodities. Ye sab factor ko hum nahi pad rahe hain. एक ही फैक्टर. जैसे बेटा मैं तुम्हारी शादी करूंगा, मगर सबसे पहला फैक्टर है कि लड़का MBA होना चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगा बाकी घर में कौन है, बाकी घर का सिचुएशन कैसा है, वो शहर में रहता है, गांव में रहता है, बाकी फैक्टर्स बाद में. मगर एक सिंगल फैक्टर है कि क्या वो एजुकेटेड है. तो अभी मैं बात कर रहा हूं डिमांड का. डिमांड को किससे मैं जोड़ना चाहता हूं? एक सिंगल फैक्टर, वो है प्राइस. ओके. सो वन सिंगल फैक्टर इज प्राइस. सो देयर आर बेसिकली टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग दिस रिलेशनशिप. किसका रिश्ता का बात चल रहा है? अमिताभ बच्चन रेखा, अमिताभ बच्चन जया बच्चन, कौन सा रिश्ता का बात चल रहा है? जी रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? डिमांड का रिश्ता किसके साथ? प्राइस के साथ. डिमांड का रिश्ता प्राइस के साथ. इस रिश्ते को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल और शेड्यूल, और इट कैन बी प्रेजेंटेड पिक्टोरली. क्या बात है? और डायग्रामेटिकली इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व. देखो ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. सो ये डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप कैसे प्रेजेंट होता है? शेड्यूल के साथ या पिक्टोरियल के साथ, या इसे हम कहते हैं कर्व, ठीक है जी. तो यहां तक मेरे ख्याल से आप एकदम समझ चुके हो. अब डिमांड शेड्यूल देख लेते हैं जल्द से जल्द. By a demand schedule we mean a chart or a table, ठीक है. Demand schedule के लिए अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? Chart or table showing the quantities of a commodity demanded at various prices. ये chart and table में क्या दिखा रहा है? Quantities of a commodity, let's say mango,
ठीक है, और क्वांटिटी कितना, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस। 5 किलो जब ये प्राइस था 20 रुपया, 10 किलो जब प्राइस था 10 रुपया, 15 किलो जब प्राइस था 8 रुपया, ठीक है। तो ये जब हम ऐसे एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज शोन बिलो, इट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर टी एट वेरियस लेवल ऑफ टी प्राइसेस। इन जनरल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिकेट्स द डिजायर्ड डिमांड फॉर अ कमोडिटी से एक्स एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है जी। तो ये एकदम ईजी है, इंडिविजुअल डिमांड टेबल आप देख लीजिए, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। प्राइस क्या है चाय का, 50 रुपया किलो। ए भैया चाय चाहिए, चाय भैया चाय चाहिए, हाँ हाँ कितना किलो चाहिए भैया, 2 किलो चाहिए। 50 रुपया किलो के हिसाब से 100 रुपया निकालो। नहीं नहीं भाई, 50 रुपया किलो हो तो मैं तो 1 ही किलो लूंगा। ठीक है भैया 1 किलो ले लो। दाम हुआ 45 रुपया, मतलब 45 रुपीज़, और मैंने डिमांड किया 2 किलो। दाम गिरा 40 रुपया, मैंने डिमांड किया 4 किलो। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रहा है। ये चीज कोई भी इंसान देखेगा तो समझ जाएगा, ठीक है। तो देखते के साथ, इस चार्ट को देखते के साथ आप समझ गए ये प्राइस है और ये डिमांड है। तो प्राइस और डिमांड का रिश्ता क्या है ये आप समझ गए हो, कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है।